दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया भगवान शिव का अपमान करने के लिए, यज्ञ किया, सबको बुलाया, मां सती को नहीं। अंत में भगवान भोलेनाथ ने अपने दो रुद्र गणों को साथ लगाया और मां सती को भेज दिया। सती मैया पहुंची, जाने के बाद से दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी कन्याओं को, सारे लोगों को इतना त्रास दिया था कि अगर सती चली आई तो कोई उनसे बात तक नहीं करेगा। मां सती पहुंची, जैसे ही मां सती से बात तो करना दूर, कोई देखता भी नहीं है। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहने मिली तो लेकिन बहुत मुस्कुराते हुए। आपको देख के कोई थोड़ा मुस्कुराए तब तो समझ में आता है, लेकिन देख के अगर कोई बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगे तो समझिएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत मुस्कुराने लगी बहने। मां सती की माता जी आई, मां ने अपने हृदय से लगाया, बातचीत हुई। मां सती ने कहा, मां मुझे यज्ञ मंडप देखना है। यज्ञ मंडप का दर्शन कराने ले गई हैं। यज्ञ की परिक्रमा करते समय मां सती ने देखा कि सबका भाग रखा हुआ है सिवाय भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके। मां सती क्रोध में आ गई, पहले से ही मन व्यथित था, लेकिन इस चीज को देख करके मां और भी क्रोधित हो गई। कहती है, जितने जितने राजा यहां उपस्थित हैं, जितने देवी देवता यहां उपस्थित हैं, आप सबको उचित दंड मिलेगा। जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा सुनी है, सबको उचित दंड मिलेगा। देखिए, निंदा करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाह उसका होता है जो निंदा सुनता है। जो दूसरों की बुराई सुनता है, सबसे बड़ा अपराधी वही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैठ के सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो कोई सुनाएगा नहीं। आप बैठ के सुनते तभी तो सामने वाला सुनाता है। मां सती कहती कि जिसने मेरे प्रभु की निंदा की अथवा सुनी, सबको उचित दंड मिलेगा। अरे, मेरे पति सिर्फ मेरे पति नहीं, संसार के पिता हैं, और इतना अपमान। ये शरीर मुझे दक्ष के शुक्र से प्राप्त हुआ, इस शरीर को मैं आज ही समाप्त कर डालूंगी। और मां सती ने अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं को भस्म कर डाला। जैसे ही भस्म किया, मां के साथ जो दो रुद्रगण आए हुए थे सब विध्वंस करने लगे, सबको दंड मिलने लगा। उसी में किसी ने खबर पहुंचा दी भगवान भोलेनाथ तक। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुए हैं और कुपित होकर के जटाओं से एक केश निकाला और भूमि पर पटक दिया। उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को कुपित करके भेजा है दक्ष के यहां। जैसे ही वीरभद्र आए हैं, सबको उचित दंड देने लगे। भृगु नाम के जो आचार्य थे, दाढ़ी नोच डाली। पूसा नाम के एक साधु थे जो बहुत मुस्कुरा रहे थे, एक मुष्ट का मारी सारे के सारे दांत बाहर आ गए। सबको दंड देने लगे। अंत में पहुंचे दक्ष प्रजापति के पास। दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ा और सिर को धड़ से निकाल करके यज्ञ मंडप में डाल दिया, मानो यज्ञ की आहुति दे दी। सब शांत हुए। इधर सती मैया मरते समय भगवान राम से वरदान मांगती हैं। मां ने सोचा भगवान भोलेनाथ भी बहुत कुपित हैं, भगवान राम से वरदान मांगती हैं। कहती हैं, प्रभु मुझे एक वरदान चाहिए। कहा, क्या चाहिए? अरे सती मारत हर सिन बार मांगा, और जन्मा जन्मा सेवा पद अनुरागा। कहा, प्रभु मेरा जब भी जन्म हो मैं भगवान भोलेनाथ की ही दासी बनूं। भगवान राम ने कहा, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन क्या मैं अगले जन्म में भी दक्ष की पुत्री बना दूं? मां ने कहा, प्रभु सबकी पुत्री बना देना, पत्थर की बिटिया बना देना, लेकिन इस दक्ष की पुत्री कभी न बनाना। और इसी कारण ते ही कारण ही मगिरी गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। ते ही कारण ही मगिरी गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा से लग्रह
माँ तेरे लगी जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। और इसी कारण माँ सती का दूसरा जन्म माँ पार्वती के रूप में राजा हिमांचल जी की बिटिया के रूप में हुआ। इधर भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे हैं यज्ञ मंडप में और जाकर के बकरे का सिर लगाया गया दक्ष को। लगा मैं बोलने भगवान मुस्कुरा पड़े। इसलिए आप अधिकतर देखते होंगे भगवान भोलेनाथ की जब हम और आप पूजा करते हैं तो अक्सर बम 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 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उस बकरे ने भी ऐसा ही बोला था जिसे सुन करके भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े। लोगों को लगा कि भगवान को अत्यधिक ये प्रसन्न है ऐसे बोलना। तो जब हम बम बम बोलते हैं तो भगवान को अपने ससुर जी की याद आती है, इसलिए भगवान मुस्कुरा पड़ते। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की है, यज्ञ संपन्न हुआ। इससे एक सीख मिलती है कि कोई भी धर्म कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी आयोजन आप श्रद्धा से करें, सबके कल्याण हेतु करें, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मन में लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो वो यज्ञ कभी पूर्ण होने वाला नहीं है।